ही नहीं कर रहे बल्कि दावा कर रहे, तो फिर उनके चयन का आधार क्या होगा? देखिए एक रिपोर्ट। देश के दिल मध्य प्रदेश में शहर सरकार के लिए चल रहा है बैठकों का दौर, हो रही है माथापच्ची, नगर निगम की हर सीट के लिए नामों पर चर्चा चल रही है, मगर कौन होंगे प्रत्याशी, नगर निगमों में मेयर पद के लिए किसे मिलेगा टिकट, ये सवाल सबको परेशान कर रहा है और अटकलों का बाजार गर्म है। तो सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी और कांग्रेस का मकसद निकाय चुनाव में सिर्फ जीत है? तो क्या जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस को अपने विधायक सबसे मुफीद नजर आ रहे हैं, और क्या अपने विधायकों को दोनों ही पार्टियां दांव पर लगाएंगी, क्योंकि कमलनाथ पहले ही जता चुके हैं कि अपने विधायकों को टिकट देंगे, और माना जा रहा है कि इंदौर से विधायक संजय शुक्ला का नाम भी फाइनल है। तो कमलनाथ विधायक सांसदों के परिजनों को भी टिकट देने की बात कह चुके हैं, मगर शर्त एक ही है कि जीत होनी चाहिए। तो सवाल ये भी कि उदयपुर चिंतन शिविर में 50% युवाओं को मौका देने का फैसला लिया गया था, तो क्या एमपी के निकाय चुनाव में ये लाइन आगे बढ़ती नजर आएगी और कांग्रेस 50% युवाओं को मौका देगी? तो सवाल ओबीसी वर्ग को लेकर भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पंचायत निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है, हालांकि फिर कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो क्या टिकट बंटवारे में इस बात का ध्यान रखा जाएगा, या फिर जीत का मकसद ही सर्वोपरि होगा और फिर उसके लिए हर गाइडलाइन को दरकिनार ही क्यों ना करना पड़े? तो सवाल बीजेपी के उम्मीदवारों के क्राइटेरिया को लेकर भी है, और सवाल ये भी कि किसे टिकट मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवारवाद को लेकर लंबी लकीर खींच कर गए हैं। तो संदेश भी साफ है कि कार्यकर्ताओं को बढ़ाया जाएगा, लेकिन सवाल ये कि आखिर कार्यकर्ताओं का पैमाना क्या होगा, क्या वो किसी राजनीतिक परिवार के सदस्य होंगे या रिश्तेदार या फिर किसी बड़े नेता के शागिर्द? तो सवाल ये भी कि क्या जिताऊ उम्मीदवार न मिलने पर क्या बीजेपी परिवारवाद और पट्टावाद की लाइन पर चलने को मजबूर होगी, या फिर बीजेपी का मकसद निकाय चुनाव में जीत से ज्यादा पार्टी के अनुशासन और गाइडलाइन को आगे बढ़ाने का होगा और पार्टी नए चेहरों पर दाव लगाएगी, या फिर अनुभवी नेताओं को ही मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि चुनौती परिषद को चलाने की भी होगी। वहीं एमपी में ओबीसी वर्ग को लेकर भी सियासत गर्म है। तो सवाल ये कि क्या ओबीसी वर्ग को साधने के लिए बीजेपी सामान्य वर्ग की सीटों पर ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी उतारेगी, और अगर हाँ तो क्या उसे सामान्य वर्ग की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ेगा? तो सवाल ये भी कि क्या पार्टी विधानसभा चुनाव हारे चेहरों पर दाव लगाएगी, क्योंकि हारे हुए उम्मीदवार राजनीतिक पुनर्वास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यानी मुश्किल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के सामने उम्मीदवारों के चयन की है, क्योंकि अब तक सभी 16 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा था, ऐसे में बीजेपी का मकसद सभी सीटें जीतने का तो होगा ही, तो कांग्रेस भी सीटें छीनने की कोशिश में लगी है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर टिकट का क्राइटेरिया क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एएनएन न्यूज। टिकट का क्राइटेरिया, बहस शुरू करें, लेकिन कुछ सवाल खड़े होते हैं जिस पर चर्चा होगी, वो सवाल आपकी स्क्रीन पर। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस भाजपा दोनों का फोकस कार्यकर्ता पर, तो क्या उन्हें टिकट मिलेगा? कार्यकर्ता को टिकट में प्राथमिकता, या फिर जीत के लिए अनुभवी नेता पर लगाया जाएगा दांव? कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता तो उसकी परिभाषा क्या होगी? क्या परिवारवाद या पट्टावाद चलेगा? जेपी नड्डा की लाइन को बीडी शर्मा ने संगठन में आगे बढ़ाया, अब सत्ता में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी? विधायकों हारे हुए उम्मीदवारों से भाजपा दूरी बना, क्या नए कार्यकर्ताओं को चुनाव में उतारेगी? निकाय चुनाव में क्या गारंटी है कि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्र से ओबीसी